नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, महिंद्रा ट्रैक्टर सीरीज में आज का जो वीडियो आपको लेकर के आया हूँ, महिंद्रा का एक ऐसा ट्रैक्टर जो एक मध्यम वर्गीय किसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑलराउंडर मॉडल है। आप चाहते हैं कि भाई मुझे अच्छी जुताई भी करे, मेरा ट्रैक्टर ट्रॉली पर भी काम करे और हर तरह के रोटावेटर किसी भी कृषि यंत्र पे मैं उसको चला सकूं और मेरे बजट में भी फिट हो, ठीक है। तो आज ऐसे ही इसी ट्रैक्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। महिंद्रा का बहुत ही कमाल का मॉडल है। सो दोस्तों, हाल ही में महिंद्रा ने कुछ दिन पहले इसको लॉन्च किया है। पीएस मॉडल है। आज हम बात करने वाले हैं अर्जुन महिंद्रा 605 DI PS के बारे में। दोस्तों, ये जो ट्रैक्टर है 50 HP का ट्रैक्टर है। आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे, सारे के सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह के वीडियोज आप आगे भी देख सको। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके लुक और डिज़ाइन से। पूरा आप देख सकते हैं जैसे हमारा 605 पहले आता था, कलर आपको वही देखने को मिल जाएगा, वही आपको ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन DI के साथ में PS जोड़ा गया है। ये थोड़ा सा अलग है इसमें, वो हम बताएंगे कैसे क्या कुछ इसमें अलग है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। इसमें आपको 50 HP का इंजन आपको मिल जाता है जो अपनी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 2200 rated RPM पे। सो अगर बात करें ट्रैक्टर के PTU HP के बारे में तो आपको 41.6 HP का PTU मिल जाता है। 50 HP का ट्रैक्टर है पूरा का पूरा, वाटर कूल ट्रैक्टर है। बैटरी का बॉक्स यहाँ पे दे रखा है। टायर्स के बारे में बात करें, आगे के टायर्स आपको MRF के 9/5/24 के टायर्स आपको दे रखे हैं साइज, और जो पीछे के टायर्स हैं वो भी सेम MRF के टायर हैं, 16/9/28 के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको डिपर्स जो दे रखे हैं वो आपको वही पुराने डिपर्स दे रखे हैं जो कि बॉडी में इनबिल्ट रखे गए हैं। ये इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका कोई पैर वगैरह भी रख जाएगा तो टूटने वगैरह का कोई भी टेंशन नहीं है, लाइफ टाइम इनकी ज़्यादा होती है उनके कंपेरिजन में, ठीक है। आगे से अगर देखें ट्रैक्टर को तो आगे का जो लुक है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा देख सकते हैं हेलोजन हेडलाइट्स का सेटअप है पूरा का पूरा। साफ़ एंटीना दे रखा है क्रोम का, महिंद्रा का लोगो क्रोम में, हेडलाइट्स बहुत ही ज़बरदस्त, और जो जाली आपको दे रखी है क्रोम, ये जो सिल्वर कलर की पट्टी आपको दे रखी है नीचे भी सिल्वर कलर का, यहाँ पे ये फाइबर का एलिमेंट लगा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा इसके लुक को और ज़्यादा एनहांस कर देता है। यहाँ पे टोहोक दे रखा है, ट्रैक्टर में कोई वो होती है तो उसमें फंस जाएगा तो निकाल सकते हैं, बाकी इसको हटा करके एडिशनल वेट भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसको ओपन करने के लिए सिंपल यहाँ से ओपन करेंगे, सिंगल पीस में बोनेट है पूरा का पूरा, आराम से ऊपर चला जाता है। डबल जैक लगे हुए, बहुत ही ज़्यादा तगड़े जैक लगे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे पूरा सिस्टम दे रखा है, ये काफ़ी बड़ा आपको 16 इंची का डबल एलिमेंट का ड्राई टाइप का एयर फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है चोकिंग सेंसर के साथ में। अगर चोक हो जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड में पूरा दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे जो रेडिएटर दे रखा है दोस्तों वो प्राइमरी जाली के साथ में दे रखा है, इसको आप अपनी जाली को निकाल करके पूरा रेडिएटर को, जैसे जो भी छोटा मोटा कचरा होता है वो आगे रुक जाएगा, ठीक है, रेडिएटर में नहीं जाएगा। जैसे हम लोग रीपर पर चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा भूसा जो होता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो ये जाली को निकाल करके आप साफ़ कर सकते हैं, इससे आपका रेडिएटर चोक होने से बच जाएगा। काफ़ी बड़ा ओवरफ्लो रिजर्वर के साथ रेडिएटर दे रखा है आपके लिए। यहाँ से अगर दिखाएंगे थोड़ा पास से तो पूरा जो है आपको यहाँ पे नॉइस रिडक्शन के लिए ये दे रखा है, ताकि जो मतलब कि जो आवाज़ होती है और ज़्यादा अच्छी बने। बाकी के यहाँ पे EGR लगा हुआ पूरा आप देख सकते हैं, 4 सिलेंडर ट्रैक्टर पूरा का पूरा, ठीक है। बात करें इसके फ्रंट एक्सल के बारे में तो करारो का फ्रंट एक्सल है पूरा का पूरा देख सकते हैं। और अगर बात करें दोस्तों इसके पावर स्टेयरिंग के बारे में, जो पावर स्टेयरिंग इसमें आपको दे रखा है वो सिंगल सिलेंडर और डुअल एक्टिंग है। ये जो सिलेंडर है वो दोनों साइड में ऑपरेट होता है, तो इस तरह से आपको देखने को मिला। ये आपको दे रखा है, ये कूलेंट दे रखा है क्योंकि वाटर कूल ट्रैक्टर है, और 4 सिलेंडर बोस कंपनी का पूरा आपको ट्रैक्टर है इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में, डबल डीजल फिल्टर और सेल्फ स्टार्टर मोटर यहाँ पे दे रखी है, फाइबर का टूल बॉक्स आपको यहाँ पे दे रखा है, पूरा आपको सेटअप इस तरह से देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों अगर बात करें ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म के बारे में तो प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे शुरुआत से आपको डबल स्टेप चढ़ने के लिए दे रखा है, प्रॉपरली दोनों जगह पकड़ने के लिए आपको ग्रैब हैंडल्स भी दे रखे हैं, इनको पकड़ करके ड्राइवर सीट तक पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँच सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सो इजीली आप इनको पकड़ करके ड्राइवर सीट तक पहुँच सकते हैं बहुत ही आसानी से। कोई भी आपका हाइट है, कोई भी आपका वेट है, अपनी हाइट और वेट के हिसाब से पूरी सीट को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं जैसी आपका आप सुविधा है, और इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे, ठीक है जी। उसके बाद इसकी प्लेटफॉर्म का अगर देखो पूरा प्रॉपर मैटिंग लाया हुआ है, ठीक है जी, बहुत ही बड़ा और खुला ढुला प्लेटफॉर्म है, आराम से आप कंफर्टेबली पूरा जैसे चाहे वैसे इसको पैरों को फैला के बैठ सकते हैं। क्लच और ब्रेक दोनों के दोनों सस्पेंडेड टाइप में दे रखे हैं, डबल क्लच में ट्रैक्टर है। ये वाला जो क्लच है वो केवल गियर्स के लिए ऑपरेट होता है, और PTO के लिए इंडिपेंडेंटली यहाँ पे ये वाला लीवर आपको दे रखा है, ये PTO क्लच आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक्स जो दे रखे हैं YB ब्रेक्स हैं, रेस का लीवर यहाँ पे आपको दे रखा है। अगर बात करें गियरबॉक्स के बारे में दोस्तों तो यहाँ पे जो दे रखा है वो 1, 2, 3, 4, 4 स्पीड्स यहाँ पे दे रखी हैं, और यहाँ पे ये दे रखा है लो हाई मीडियम, ये 3 स्पीड यहाँ पे दे रखी है। तो उस तरीके से चढ़तियाँ 12 फॉरवर्ड में और 12 रिवर्स में है, क्योंकि ये सटल दे रखा है, इससे जिस गियर में ट्रैक्टर आगे चल रहा है उसी गियर में इसको पीछे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है जी। उसके बाद ये आपका PTO गियर आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, PTO में आपको यहाँ पे दे रखा है, ये PTO क्लच है, और इसमें फॉरवर्ड रिवर्स का पूरा रिवर्स PTO भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाती है पूरा, ठीक है।
इधर आपको पोजीशन ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर आपको दे रखे हैं, ये आपका ऑक्सिलरी लीवर आपको दे रखा है, कोई भी पीछे का ऑक्सिलरी इंप्लीमेंट चलाते हैं जिससे आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक बार थोड़ा डैशबोर्ड पर फोकस करिए, डैशबोर्ड पर जब चाबी ऑन करेंगे आप तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे गाड़ी में होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे गाड़ी जब चालू होती है तो उस तरह से डैशबोर्ड में आता है, कुछ तरह का दे रखा है, पूरा डिजिटल डैशबोर्ड है, आरपीएम के साथ में कितने घंटे चला हुआ है, सारी की सारी जो ट्रैक्टर का जो प्रेशर है, ऑयल प्रेशर सारा का सारा इसमें दिखा रहा है, ठीक है, हैंड ब्रेक लगाए कि नहीं लगाए, फोर व्हील है, टू व्हील है, सारा सर्विस रिमाइंडर, फिल्टर चौकी नहीं, सारा कुछ इसमें आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपको वर्किंग लाइट का दे रखा है, ये आपको दे रखा है हेडलाइट्स के, और हॉर्न वगैरह सारा कुछ इसमें दे रखा है, ये आपको जो दे रखा है ये स्टॉपर दे रखा है, ये पार्किंग ब्रेक यहाँ पे आपको दे रखा है, तो ये पूरा सेटअप इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इस वाले लीवर से आप इसको फोर व्हील में इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं, इसको जैसे जैसे इसको ऊपर करके फोर व्हील में बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ऐसे करेंगे हो गया निकल गया, ठीक है, आसानी से फोर व्हील में टू व्हील कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर डिफरेंशियल लॉक भी दे रखा है, ये वाला लीवर जो दे रखा है दोस्तों, ये डिफरेंशियल लॉक दे रखा है, जैसे ट्रैक्टर आपका कहीं भी पावर की लैग महसूस कर रहा है या फंस रहा है, ये एक पहिया घूम रहा है एक नहीं घूम रहा है, फ्री हो गया है, जब इसको प्रेस करेंगे तो दोनों पहिए एक साथ घूमेंगे, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें काफ़ी महंगी असेंबली होती है, ये हर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, पर महिंद्रा ने इसमें आपको ये भी प्रोवाइड किया है, तो पूरा ये देख सकते हैं। सो दोस्तों, अगर बात करें ट्रैक्टर के पीछे हिस्से के बारे में, पीछे से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का व्यू और लुक आपको देखने को मिल जाएगा, वही आपको बॉडी में एनविल डिपर्स, वर्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसके लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, इसमें जो लिफ्टिंग आपको मिलती है वो 1800 केजी की लिफ्टिंग मिलती है, 18 क्विंटल वजन आप उठा सकते हैं इसके लिफ्ट के मदद से, काफ़ी तगड़ी लोरिंग दे रखी है, आप देखें कितनी मोटाई ज़्यादा है इनकी, नॉर्मली आपको देखने को मिलती हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी ये भी आपको दे रखे हैं, सिंपली जो जैक सिस्टम दे रखा है लोरिंग को एडजस्ट करने के लिए, सिंपली पिन को निकाल करके आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है जी। उसके बाद जो आपको सेंसिंग दे रखी है वो टू पॉइंट सेंसिंग दे रखी है, सॉफ्ट और हार्ड मिट्टी के लिए, और ADDC टाइप का डबल सेंसिंग आपको दे रखे हैं, ठीक है। साथ में कंपनी फिटेड आपको ऑक्सिलरी वॉल्व दे रखे हैं, अलग से कुछ भी लगवाना नहीं है आपको, ट्रैक्टर में कंप्यूटर माजा चलाना है या कोई भी हाइड्रोलिक प्रेशर हैरो चलानी है तो ट्रैक्टर को ले जाओ, बस लगाओ और चलाओ, कोई टेंशन नहीं, आपको अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। PTO की बात करें तो PTO जो आपको उसमें मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं 41.6 HP का PTO है, और SFC के बारे में बात करें तो 199 SFC इसमें आपको देखने को मिल जाती है, जनवरी 2024 का मॉडल है, 605 DIPS 4 meter S+ B1 मॉडल है, पूरा देख सकते हैं, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है महालिफ्ट, लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है इसकी वो बहुत ही तगड़ी है। दोस्तों ये था महिंद्रा 605 DIPS का पूरा वीडियो। तो दोस्तों इस ट्रैक्टर के बारे में अगर आपका कोई सवाल फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी का इस ट्रैक्टर को आप खरीदना चाहते हैं कितने में आपको ऑन रोड पड़ेगा, ये सारी की सारी जानकारी आपको मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूँ, ये जो ट्रैक्टर है वो आपको लगभग 9.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा, बाकी अधिक जानकारी के लिए इनका नंबर मैं दे दूंगा, छतवाल एंड सन्स कुरुक्षेत्र में आकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं या फिर फोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। सो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।